प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री जिन्होंने राजस्थान के विकास में एक नई राह बनाने का काम किया है, भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती वसुंधरा राजे जी, मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी भाई गजेंद्र सिंह जी, भाजपा के प्रभारी श्रीमान अरुण सिंह जी, राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्रीमान राजेंद्र राठौड़ जी, भाजपा के उपनेता श्रीमान सतीश पुनिया जी, बहन विजया राहतकर जी, श्री अरुण चतुर्वेदी जी, अर्जुन मीणा जी, सांसद कनकमल कटारा जी, श्रीमती दिया कुमारी जी, हमारे संगठन मंत्री चंद्रशेखर जी, और आज भक्ति और शक्ति की इस वीर भूमि पर आए हुए मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, ये गहलोत जी खामखा इस आयु में इधर उधर घूम रहे हैं, ये सभा का कोई इनको वीडियो बता दे तो गहलोत जी को मालूम पड़ जाएगा कि उनकी सरकार का जाने का समय शुरू हो गया। किसान को खेत में रहने का समय है, मेघराज का आगमन हो गया है, मेरे आदिवासी भाइयों बहनों को भी खेत खलियान में छोटे छोटे खेतों में काम है, फिर भी आज जो नजारा मेवाड़ की धरती पर मेरे सामने है वो बताता है 23 और 24 दोनों में पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। माताओं भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले भगवान एकलिंग जी को प्रणाम करना चाहता हूं, नाथद्वारा में विराजमान ठाकुर जी को भी प्रणाम कर मेरी श्रद्धा व्यक्त करता हूं, जगदीश मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर, करणी माता मंदिर और मां अंबा के मंदिर को भी प्रणाम करता हूं। आज मैं जब यहां आया हूं तब सबसे पहले हिंदुओं के सूर्य और जिन्होंने स्वधर्म स्वदेश और स्वभाषा के लिए रान रान पान पान जंगलों में घूमना पसंद किया मगर मुगलों के सामने सर नहीं झुकाया, वो वीर सपूत महाराणा प्रताप को मैं प्रणाम करना चाहता हूं। इसी के साथ मुझे बड़ा आनंद आया कि मंच पर मुझे राणा पुंजा भील की भी मूर्ति, जाजल्यमान मूर्ति दी गई, उनकी वीरता को भी मैं प्रणाम करना चाहता हूं। मित्रों, ये भूमि त्याग बलिदान और भक्ति की भूमि है, ये भूमि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है और ये भूमि से ही राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की विजय पताका यहां से ही निकलती है और इस बार भी आज मैं मेवाड़ की इस पवित्र धरती पर बोलकर जाता हूं, गहलोत जी सुन लेना, 23 में राजस्थान बीजेपी विजय के सारे रिकॉर्ड तोड़कर प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली। भाई और बहनों, मेरे युवा साथियों, मैं मोदी जी के 9 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में जो धन्यवाद यात्राएं चालू की है इसके तहत आज मैं मेवाड़ की वीर भूमि पर आया हूं। ये मेरा 15वां राज्य है,
मैं देश भर में घूमकर आया और देश भर में मोदी जी के लिए जो समर्थन देखा है, ये निश्चित है कि 2024 में फिर से 300 सीटों के साथ नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी के शासन के 9 साल कई मायनों में भारत के अंदर परिवर्तनकारी रहे हैं। मोदी जी के शासन के 9 साल गरीब कल्याण के 9 साल रहे। मोदी जी ने कहा था 2014 में जब संसद में पहली बार पहुंचे, उन्होंने संसद की भूमि को माथे पर लगाकर कहा था, ये सरकार गरीबों की, दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की सरकार है। और 9 साल में इन्होंने इसके लिए ढेर सारे काम किए हैं। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में ये 9 साल में देश के करोड़ों किसानों को पहली बार 6,000 रुपया प्रति साल मिला है। और अपने राजस्थान में 80 लाख किसानों को अब तक 16,000 करोड़ रुपया सीधा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जल जीवन मिशन की तरह हमारे गजेंद्र सिंह जी देखते हैं, यहां बैठे हैं, जल जीवन मिशन के तहत हर गरीब के घर में नल से जल पहुंचाने का काम मोदी जी ने चालू किया है। और राजस्थान में 43 लाख परिवारों को अपने घर में शुद्ध पानी पीने का पहुंचाने का काम किया है। मित्रों, राजस्थान में 86 लाख शौचालय बनाए, 1 करोड़ कार्ड को, 4.2 करोड़ लोगों को 3 साल से मुफ्त में प्रति व्यक्ति प्रति माह अनाज देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। 5.75 लाख उज्ज्वला के कनेक्शन दिए गए, 84,000 कनेक्शन मेरे ट्राइबल भाइयों को, आदिवासी भाइयों को देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, 18 लाख लोगों को खुद का घर देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, मैं पास के गुजरात से ही आता हूं, यहां बहुत बड़ा जनजाति समुदाय है, आदिवासी समुदाय है। मेवाड़ के राणाओं ने जो लड़ाई लड़ी, इसके साथ मेरे आदिवासी भील भाई कंधे से कंधा लड़ाकर मुगलों के सामने लड़ने का काम आदिवासियों ने किया है। और स्वतंत्रता संग्राम